सिद्धे जय प्रसिद्धे चौविहरहणा फलम पते वंदितारहन्ते वोच्छमाराहणाकमसो उज्जवनम उज्जवनम निवहणम साहणम चणे चरणम दंसनान चरितम तवान माराहना भणिया। वत्थु सहाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव वस्तु से अभिन्न होता है, वस्तु का स्वभाव ही परमार्थ से वस्तु का धर्म है। इसलिए वस्तु के धर्म की प्राप्ति करनी हो तो वस्तु के आश्रय के बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है। सद्दृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, इन तीनों की एकता, ये धर्म है। सम्यक प्रकार से श्रद्धान, सम्यक प्रकार से ज्ञान और उसी वस्तु में लीनता, ये धर्म है। लेकिन कौन सी वस्तु का श्रद्धान ज्ञान और उसमें लीनता धर्म होगा? तो धर्मी है स्वजीव तत्व। इसलिए स्वयं को जीव, स्वयं को जीव अनुभवे, अनुभवे अर्थात जाने, देखे और रमण करे। क्योंकि अनुभव ज्ञान श्रद्धान और चरित्र की सम्यक परिणमन का कॉम्बिनेशन है, उसे ही अनुभव कहते हैं। ये तो मूल अध्यात्म की विषय वस्तु हुई। आत्म वस्तु को समझे बिना सुख शांति उत्पन्न होती नहीं है। इसलिए अध्यात्म का पूरा प्रदेय है, अभिधेय है, अभिधेय अभिधेय वाच्य, जो उसका पॉइंट ऑफ फोकस जो कहते हैं, उसका पूरा है शुद्धात्मा, मैं, अहम। इसलिए जगह जगह ये गाथाएं मिलती है समय सार में, अहम एक को खुलू सुद्दो। टोडरमल जी साहब कहते हैं, ग्रंथों को तो पढ़ता है लेकिन ग्रंथों के माध्यम से स्वयं को पढ़ना था, ऐसा स्वयं का पढ़ना उसको नहीं आता। इसलिए टोडरमल जी साहब कहते हैं कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, ऐसी कदाचित चर्चा भी करता है, लेकिन उसमें आत्म तत्व मैं हूँ ऐसी प्रधानता, भावों की उच्चता उसके चित्त में नहीं आती। ये कहने का तात्पर्य जो जितना मैंने अभी बोला, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, अध्यात्म का मूल कोर, सेंट्रल आइडिया अहम है। अहम को लिए बिना एक कदम भी अध्यात्म आगे नहीं बढ़ सकता। अध्यात्म की व्युत्पत्ति अर्थ ही हम देखते हैं अधि आत्मा, जो आत्मा को लेकर चले, जो आत्मा के ज्ञान से संबंधित हो। बिना आत्मा के अध्यात्म नहीं हो सकता। इसलिए अध्यात्म कथन में मुख्यतः अहम की है, ये एक विषय हुआ। इसलिए अहम ये गुण है अध्यात्म में। अब जितना अहम 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 इस प्रकार अहंकार करते जाओगे तो अध्यात्म में चार चांद लग जाएंगे और तीन रत्न प्रकट होंगे आपके पर्याय में। ठीक है, हूबहू गाथा एक सरी की रिपीट हुई है, कई अहम एक को खुलू सुद्धो, ख्याल में है ना आपको, 38वीं, फिर 73वीं, इष्टोपदेश देखेंगे वहां पर भी अहम निर्मम शुद्धो ज्ञानी योगिंद्र गोचर, हूबहू गाथा है अहम। अभी थोड़ी दूसरी आंख से देखना, देखने का प्रयास करो।
चरणानियोग से देखने की जो पद्धति है वहां पर अहम ये सबसे बड़ा दुर्गुण है। जहां पर अहम की अहम प्रतिष्ठा अध्यात्म में बताई है वही पर आगम में अहम की एकदम नीचपना दिखाया है। मैं करके बात करना यह व्यवहारिकता नहीं है, आपको नहीं बोलना चाहिए ऐसा। मैं वैसे बोल दूं अपन ही अपन लोग बैठे हैं ये जानकर मैं बोल रहा हूं, आप ऐसा नहीं समझेंगे कि ये अपना बड़प्पन करते हैं, ये विश्वास मुझे है इसलिए मैं बोलूं आपको। मैं मुझे चिट्ठियां लिखने की आदत अभी भी है, बहुत ही कम लिखता हूं वैसे, और जब भी चिट्ठी लिखता हूं साल में मुश्किल से 2-3 लिखता हूं, और उतना तो लिखता ही हूं, घर पर जाती है और जब गर्मी में ये जाते हैं तो मैं चिट्ठी भेजता ही हूं। और चिट्ठी इस तरह की होती है कि वे सभी जन पढ़े, उसमें किसी का नाम लेकर भी ज्यादा मक्खन लगाने का प्रयास नहीं होता है, वो एक प्रकार से सभी पढ़े उसको तत्वज्ञान का आनंद ले। तो मैं पहले जितनी भी चिट्ठियां भेजी है आज भी भेजता हूं, मेरा कहीं नाम नहीं दिखेगा आपको नीचे। फिर बहुत तकलीफ हुई हमारी मम्मी जी को, वो बहुत आनंद से पढ़ती है मेरी चिट्ठी और सब जगह फोटोकॉपी कर करके 10-20 जगह सब जितने जनों ने बोल रखा है, पत्रिका वालों ने भी जो बोल रखा है हमें छपाना है तो देते रहते, जो भी उनके विकल्प की पूर्ति होती रहती है। तो वे कहते हैं कि तुम नाम क्यों नहीं लिखते नीचे, नाम लिखना चाहिए ना तुम्हारा। मैं कहता हूं तुम्हें हैंड राइटिंग से तो समझ ही जाते हो ना मेरा, ये आज तक कभी भ्रम हुआ कि ये मेरी नहीं है चिट्ठी? अथवा आपने पहले दूसरे ही दिन ये कहा आपकी चिट्ठी पहुंची, मैं यदि पूछूं आपको किसने कहा मेरी थी, ऐसा आज तक कभी हुआ? जब आपको पता है ये मैंने लिखा है तो और किसको दिखाना है हमको? मूल तो आप ही को समझाना है मुझे ये मैंने लिखा है। ठीक उसी प्रकार मैं कभी कभी समझता हूं ये एक एक रग रग में देखो हम तो कोई भी पहचान सकते हैं, कुन कुन की वाणी है, वहां पर संघस्थ 500-600 मुनि है, वे नहीं जानते होंगे अपने आचार्य महाराज समयसार ग्रंथ लिख रहे हैं, वे अलग सा नाम क्यों देंगे उसको? फिर बाद में आपके हाथ में चिट्ठी पड़ेगी तो आप उस पर आपका नाम लिख लेना, ये मैं भी मेरे मुख से नहीं कहूंगा, आपको ख्याल में है तो आप लिख लेना। उसी प्रकार ये भी जितनी भी गाथाएं बाद में अंत की जोड़ी गई है बुरा नहीं मानना, घबराना भी नहीं, हो सकता है उन्होंने नहीं भी लिखी हो और उनके नाम पे किसी ने जोड़ दियो ये है मैं कुनकुन स्वामी, क्योंकि थर्ड पर्सन उसमें अपनी तो गाथा नहीं मिला सकता कि ये कुनकुन ने लिखी है, फिर तो वो तो लेखक ही अलग हो जाएगा, तो ये कैसे सिद्ध होगा कि ये कुनकुन ने लिखी है? फिर किसी ने लिख दिया उसमें। आइए लौट आइए अपने प्रकरण में, मैं तो ये कह रहा हूं लौकिक व्यवहार ये है कि हम अहम 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 बार बार नहीं करें, मैं करके जो बोलो बकरा बनता है वो बकरे को बलि पे चढ़ना पड़ता है, उसकी बलि हो ही जाती है, ये सामान्य नीति वाक्य है। और लौकिक व्यवहारता यह है कि जैसे हम किसी को आगे बुलाए, मैं कहूँ कि दीपेश है सौम्य है ये होनहार छात्र है इस साल के और आप आगे आइए, और आप इनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, तो पहली बात आप बोलेंगे ये बहुत ही चढ़ा बड़ा कर बोल रहे हमारे बारे में, हम कुछ उस लायक नहीं है, हम जैसे दिखते वैसे है नहीं है, ठीक है? अब इतना ही बस बोला तो उससे ये इफेक्ट दुगना होता है, इज्जत आपकी बढ़ती है, इज्जत हमारी बढ़ती है। और आप इतना ही बोलो आकर, हाँ इन्होंने और एक बिंदु तो बोला ही नहीं मेरे बारे में, ये शायद भूल रहे हैं अभी इस समय में, आप भूल रहे होंगे मैं तो टॉप क्या है पढ़ाई में, आप बोल सकते हो, नहीं तो मैं तो बोल ही रहा हूं। तो पहले 2 पॉइंट्स भी एकदम फिनिश हो जाते हैं, ये लौकिक व्यवहारता है। आप जितना कहोगे नहीं साहब हमने क्या किया, हमने क्या किया, अब गर्दन झुकाकर हाथ जितना जोड़ोगे, मैं ऊपरी रूप से नहीं बोल रहा हूं, मैं मतलब दिखावटी की बात नहीं है मेरी, कोई नुमाइशी जीवन की बात नहीं है, वास्तव में जो कोई ऐसा करे तो लोग वाकई में उसके जीवन से प्रभावित होते हैं। ये कहते देखो इतना सब करके भी और कुछ भी एकत्र तो नहीं, कहीं अपना नाम छापना नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, ठीक है? मैंने 2-4 दिन पहले एक दिन बात कही थी आपको, हस्तिनापुर का मंदिर बनकर तैयार हुआ और फिर अंत में उन्होंने इतना ही कहा सुगन चंद जी ने
कि भाई इसमें हमारा क्या है, ये पंचायती है पूरा, और बोलिया चढ़ाइया जो भी लेंगे भाई, जो भी मूल इंद्र महा अहम इंद्र रथी महारथी होंगे, हमारा क्या रोल है उसमें, तुम ही लोगों का है सब कुछ, हम स्वयं काम करें श्रेय दूसरों को देवे, ये चरणानियोग की रीति नीति है। आप समझ गए, क्योंकि कोई भी कार्य होता है वो खरेखर तो टीम वर्क से ही होता है। आप समझ रहे हो ना, आपको ये लगेगा कि ये बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, ये तो होते होंगे टीम वर्क, जैसे प्रवचन करना है, इसमें क्या टीम वर्क, इसमें तो आपका ही उपादान है, ऐसा नहीं है। आप शांति से एक सेकंड भी नहीं बैठेंगे तो मेरा बहुत संकट में हो जाएगा प्रवचन। आप समझ रहे हो, ये टीम वर्क है, आपका मेरे ऊपर उपकार है। तो उपकार क्या है, आपने कुछ प्रॉम्प्टिंग नहीं की, कुछ मुझे बताए नहीं कौन सी गाता क्या, उपकार ये है कि आपने अनुकूलता मुझे पैदा की, और अनुकूलता पैदा करना, प्रतिकूलता पैदा नहीं करना, ये भी एक अनुकूलता ही पैदा करना होता है। आप समझ रहे हो, कोई भी काम ये टीम वर्क से चलता है। कायदे से दातार की जितनी प्रशंसा है उतनी पात्र की भी प्रशंसा है। पात्र ना होते तो हमको, हम हमारे पाप का पाप से संचित कर्म को किस प्रकार धो देते। रुधिर मलम धावते वारी, गृह कर्मणापि निचितम कर्म विमार्ष्टि घलु खरु गृह विमुक्तानम। हम ये संचित कर्म को किस माध्यम से, इनका बहुत बड़ा उपकार है हमारे ऊपर। कौन बोल रहा है ये, अरे दातार बोल रहा है, कितनी बड़ी बात है। आप समझ रहे हो, एक मैं तो अपेक्षा ही समझाऊंगा आपको, किसी विद्वानों के प्रति कटाक्ष में बिल्कुल करना की भावना नहीं है। कोई ये कहे कि ग्रंथ छपाना है, बोले हम क्यों लिखे प्रस्तावना में किसी का नाम, विद्वान प्रस्तावना में ये क्यों लिखे भाई, इन्होंने पैसे का दान दे, इन्होंने छपाई करी, इन्होंने प्रिंट रीडिंग की, इन्होंने क्या किया वो किया, सबके एक एक के नाम लेते चले। अरे हमने लिख डाला, जिनको हम तो उच्च पद के स्थित है वक्ता लेखक, वो हल्के लोगों की क्यों महिमा करे। आप समझ रहे हो मेरी बात को, नहीं समझ रहे, सौम्य क्या क्या कहा मैंने, लेखक लिख रहा है ग्रंथ, और जिसने सामग्री जुटाई, पन्ने इकट्ठा कर रहा है, छपाई में दे रहा है, फिर प्रूफ रीडिंग कर रहा है रात दिन, उसमें ब्रेन वर्क क्या है, कह रहे हम क्यों उनकी प्रशंसा करें, और पैसा जिसने लगाया है शास्त्र के लिए छपाई के लिए, हम उसको इसके बारे में लिखे, उन्होंने भी आर्थिक दान दिया, ये दिया है, हमारी विद्वत्ता खंडित होगी, ऐसी जिनकी मान्यता है। मैं ये बात और कहना चाहता हूं कि प्राचीन परंपरा हम क्यों भूलते हैं, वहां पर तो एक एक श्रोता वर्ग को यह कहा, दौलत राम जी ने आदि आदि लेखकों ने तो यह लिखा कि हमने जो ग्रंथ लिखा है इसमें हमारा कुछ नहीं है। बुद्धरदास शतक भी आपने पढ़ा होगा, जिसकी प्रेरणा से, जिन्होंने हमको प्रेरणा की लिखने के लिए, ये श्रेय पूरा उनको जाता है। और आप महापंडित हो गए क्या, और ये कोई सामान्य पंडित थे क्या? आप समझ रहे हो मेरी बात को, तो वे संपादन नहीं लिखेंगे हम, आप प्राकथन नहीं लिखेंगे हम। अरे तुम, हम कोई हल्का पद है, हम उनकी उनकी प्रशंसा करते रहे, वक्ता कितना असाधारण पद है लेखक, मतलब तो हम उनकी कहां प्रशंसा करते फिरे। लेकिन ऐसा एकांत नहीं करना चाहिए आपको, ये टीम वर्क है, दिस इज ऑल्सो टीम वर्क। तो इनका श्रेय उनका श्रेय, टोडनमल जी साहब जो आज खड़े हुए वो रायमल जी की देन है पूरी, वो एक एक वे लिखते गए, हम बाँचते गए, और हम भी बाँच रहे ना आज भी, तो हमारा भी उपकार है उनके प्रति। मैं तो ये कह रहा हूँ, अपने कॉलर बढ़ाने की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कोई भी कार्य होता है लोक में वो टीम वर्क से ही होता है। इसलिए व्यवहारिक रीति नीति ऐसी चलती है कि सब कुछ दूसरों ने किया, अपुन ने किया हो, उसका श्रेय दूसरों को ही देवे। इसलिए अज्ञानी जीव तो वो होता है, सहजता में कोई कार्य होता हो और बरबस वो कहीं एक तो अधिकार स्थापित करने का उसका बनाव बने, उसको छोड़ता नहीं है। और ज्ञानी तो ये है, स्वयं सब लगाए तन मन धन, और फिर बहुत सहजता में बात हुई है, कहे किसी का नाम ले भाई, सब आपका ही है, हमारा कुछ नहीं है। ये लौकिक सज्जनता है, क्योंकि तुम कितने दिन जियोगे, तुम कितने दिन जियोगे, और तुम जितने दिन जियोगे फिर तुम्हारा ट्रस्ट भी उतने ही दिन जिएगा, और तुम सबकी करके छोड़ दो, उसका जीवन अमर कर दो संस्था को तुम्हारे, तो हमारा नहीं, संस्था को मतलब कोई मंदिर है, कोई ये है, आप सबका है। और आदि कहे स्वाध्यायियों का है, जिनको पुण्य लूटना है उनका, अरे मंदिर किसका होता है, ये तो भगवान का मंदिर है कोई, हमारा तुम्हारा मंदिर थोड़ी होता है।
तो आपने व्यापक सोच रखी तो उसका फल कितना फलित हुआ, वो चिर काल तक कितने ही काल तक आएंगे और भक्ति करते रहेंगे। किसका मंदिर है, किसका क्या, भक्तों का मंदिर है, और फिर कहना हो भगवान का मंदिर है। व्याकरण में तो दोनों बात संगत है ना, भगवान का मंदिर मतलब जहां पर भगवान की पूजा होती है, और भक्तों का मंदिर मतलब जहां पर भक्त आकर शांति को प्राप्त होते हैं। समझ में आ रहा है? हालांकि जिन मंदिर ही कहते हैं, जैन मंदिर नहीं कहते, क्योंकि जिनकी प्रतिमा विराजमान, लेकिन कोई व्याकरण से जैन मंदिर भी कहे बिल्कुल इसमें डिफेक्ट नहीं है, लेकिन कर्ता का मंदिर में तो पूरे डिफेक्ट है। समझ में आया? ये तो एक मुझे अभी नाम किसी का ही नहीं ले रहा हूं मैं, एक एक जो बात बोलता हूं, मैंने एक एक बात सुनी है करिए, फिर कहते जिन मंदिर बोलना चाहिए, जैन मंदिर नहीं बोलना चाहिए। अरे क्या बोलना चाहिए, छोड़ो इसको। समझ में आता है कौन? और मैं कह रहा हमारा मंदिर है, भक्तों का मंदिर है, जिनको तिन्नार क्यों भगवान हमारे नहीं, भगवान का मंदिर है। अरे भगवान हमारे नहीं है क्या? समझ में आता है? सब हमारा ही है क्योंकि भगवान हमारे, हमारे पिताजी हमारे, तो पिताजी की प्रॉपर्टी हमारी नहीं होती है क्या? अनंत चतुष्टय भी हमारा ही है। स्वराज इज माय बर्थ राइट, हमारे देश नहीं कहते क्या? आजाद तो उन्होंने कराया है, लेकिन उस आजाद देश में आप रहते हो कि नहीं? समझ में आता है? हमारी जिनवानी सब हमारा। मूल निष्कर्ष अभी तक का अध्यात्म में अहम ये गुण है, पुनरुक्ति दोष नहीं होता उसमें, नहीं पुनरुक्ति भनंत। सिद्ध चक्र मंडल विधान में आपने देखा, जितना आप आत्मा की चर्चा करोगे, आत्मा शब्द का उच्चारण करोगे, उसमें चार चांद लग जाएंगे। अपने गुरुदेव की पद्धति रहती थी, थोड़ा सा ब्रेक लेना हो तो उसमें आत्मा, भगवान आत्मा, और बार बार झलकता था, और टीका करने लगातार, एक गाथा की टीका में तो तीन दफे उन्होंने भगवान आत्मा लिखा है। कौन सी वो गाथा की टीका? 73, 73, तीन बार भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, रिपीटेशन दोष नहीं होता है। और आगम में आप अहम कहो तो दोष माना जा रहा है। आप सब समझ रहे हो, आई इज ऑलवेज कैपिटल इन अध्यात्म, क्यों? आई स्टैंड्स अलोन, आई ऑलवेज कैपिटल, अहम ये सबसे अलग ही रहता है, और कैपिटल सबसे प्रधान तत्व रहता है। उत्तम अट्ठम आदा, सभी पदार्थों से उत्तम है, लेकिन आगम में वो दूसरों के साथ जुड़ा है, आई स्टैंड्स स्मॉलर। समझ में आता है आपको? तो अहम ये अध्यात्म में गुण है, अहम मैं करना ये आगम में निंदा का सूचक है। ठीक, अभी कई हेतु से सिद्ध हुआ है, अपन तीन चार गाथाएं अभी तक देखी है, उसका फिर से एक बार मैं सार बता दूं आपको। 367 की गाथा में तो ये बताया गया, जिस प्रकार कोई नपुंसक कितने भी श्रृंगार करे वो नारीत्व को प्राप्त नहीं होता, ठीक उसी प्रकार कोई स्वयं की कितनी भी बढ़ाई करे अथवा तो दूसरों से बढ़ाई चाहे, उसमें हमारा बड़प्पन तो नहीं होता। दो दो बिल्कुल ही जुदी चीजें हैं, एक तो है अपनी रिपोर्ट और एक तो है किसी का सर्टिफिकेशन। ठीक है, फिर एक गाथा ही जिसमें कहा, महापुरुष ऐसे होते हैं दूसरे उनकी गुण प्रशंसा करे, क्योंकि प्रशंसनीय पद को तो प्राप्त हुए ही है, इसमें तो कोई भी शक नहीं है, और जगह जगह उनकी प्रशंसा होनी ही है। सम्यक यह पद ही प्रशंसावाची है। क्या बोला? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग की टीका करते समय तत्वर सूत्र की समस्त टीकाओं में सर्वर सिद्धि देखना, खासतौर पर सम्यक शब्द प्रशंसावाची है। तो प्रशंसनीय तो वे ही है जिन्होंने समकित को अंगीकार किया है। ठीक है, और इसलिए लोक में तो उनकी प्रशंसा होगी। और टोडरमल जी साहब के शब्दों में बोलो, पहले अध्याय में बोलो, जो जो राग घटता है और ज्ञान की अधिकता होती है, त्यो त्यो लोक में प्रशंसा होती है। लोक में मतलब इस लोकोत्तर मार्ग में, और इससे विपरीत राग द्वेष का बढ़ना, ज्ञान का घटना, इससे निंदता होती है। इसलिए हमने वितरागता को प्रधान बन के करके हमने मंगलाचरण अभी तक का किया,
मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, ये साक्ष्य दी ना उन्होंने बाद में, मंगलाचरण पूरा कंप्लीट करके उसका स्पष्टीकरण करने लग गए तो अंत में पैराग्राफ लिख दिया, क्योंकि वीतराग साथ वीतरागता से ही उच्चता है और राग द्वेष से ही नीचता है। कोई नियत बिगाड़े लोक में उसको कोई अच्छा नहीं कहता, और बिल्कुल नियत नहीं बिगाड़े उसको लोक में सभी अच्छा ही कहते हैं। हम भोजन करते समय बार बार जो देख रहा है उसको तो हम एक टुकड़ा डाल ही देंगे, लेकिन जो इतना संतोषी हो ऊपर देखता भी नहीं हो और मालिक बैठे भोजन करने और हमको भोजन दिन भर भी नहीं पूछा और बराबर काम किए जा रहे, उसकी महिमा बहुत असाधारण आती है। बाद में फिर ये होता है मालिक कहते भैया तुम भोजन कर लो पहले, समझ में आ रहे, संतोषियों की इतनी पूज्यता सर्वत्र होती है। तो कह रहे हैं कि हम जो दूसरों की दूसरे हमारी महिमा करे उससे लज्जित होने वाले जीव अपन स्वयं की महिमा कैसे करेंगे। फिर गाथा में ये बात आई, और हमारे में कोई गुण नहीं हो और हम उसको नहीं रिप्रेजेंट करें, नहीं प्रेजेंट करें, तो कहते हैं हम व्यक्त नहीं करें हमारे गुणों को, तो यही एक सबसे बड़ा गुण है। लोग में कहते हैं अपनी अपनी डिंग बहुत हाँकता रहता है, बहुत मुहावरे हैं इसके लिए, और कहते हैं फिर अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, मराठी में कहावत है मला कौन नावाजी मला मीच नावाजी, नहीं समझ में आ रहा है आपको, मुझे कौन मेरी प्रशंसा करेगा, मेरी प्रशंसा मैं ही करूंगा। सिंड्रेला आपको ख्याल में है, कहानी पढ़ी है आपने सिंड्रेला की, नहीं ख्याल में है आपको सिंड्रेला, ए मेरे शीशे कौन है जगत में सबसे सुंदर, और दूसरों का नाम वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एक वुमन थी, फिर उसको पता चला सिंड्रेला सबसे सुंदर कोई परी जैसी लड़की एक पैदा हुई है यहाँ पर, अब उसको दिक्कत होने लग गई रोजाना, समझ में, किसी का नाम ऊपर चढ़े इसको पसंद नहीं है, कैसे गुरु लघुत्व की प्राप्ति होगी उनको, जहाँ पर एक संग सब विराजते हैं ऐसे कैसे, और वसुधैव कुटुंबकम सबका ही कल्याण हो ऐसी भावना, उदात्त भावना उसको कदापि नहीं हो सकती, समझ में आया। ये यहां तक हम आए थे, 370वीं गाथा एक बार पढ़ते हैं और फिर उसका अर्थ भी करेंगे। वायाए जम कहणम गुणान तम नासनम हवे ते सिम हो दिहु चरिदेण गुणान कहणम उभासनम ते सिम वचनों से गुण का कहना तो करना है उन गुण का नाश कल इसको पढ़ा था बिल्कुल अंतिम मिनट में, मैंने इसको अर्थ और भावार्थ भी पढ़ा था। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अपने स्वयं के गुणों का बखान करना या अपने गुणों का नाश करना है, ये बहुत व्यापक सोच है। आप चाहो तो इससे अपना निजी लौकिक जीवन भी बहुत सुख संपन्न कर सकते हो, ठीक है। बात इतनी सी है, ममेदम की भावना छूट जानी चाहिए। वॉट इज ममेदम, मम इदम, यह मेरा। गुरुदेव की वाणी में तीन चार दिन पहले एक बात आई थी, आपने गौर किया होगा, कि एक तिनके को भी अपनत्व तो नहीं करते ज्ञानी साधु पुरुष, आई थी बात। फिर तिनके का अर्थ क्या क्या कर रहे थे वे ख्याल में है किसी को, चार दिन पहले तिनके का अर्थ बहुत शानदार किया उन्होंने, इतना आनंद हुआ मुझे। अरे तिनके में भी एकत्व तो नहीं करते मतलब, अरे वो देह को तिनका कहते हैं, समझ में, वो दूर पड़े तिनके में एकत्व तो की कहा बात आई यहां पर, ये समझ में आता है कितनी व्यापक सोच है। वे कह रहे अरे वो देह को ही तिनका कह रहे, कह रहे तिनके में एकत्व तो नहीं करते। तो मुझे एकदम गाथा याद आई देह को तिनका, फिर मुझे याद आई 38वीं गाथा अहम एक को खुलू सुद्दो परमाणु मात्र परमाणु में तंपी, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। तो परमाणु मतलब कोई पुद्गल की चर्चा है, वहां पर पुद्गल की भी चर्चा है, लेकिन परमाणु मात्र भी मेरा नहीं मतलब वहां पर गुणस्थान मार्गणा भी मैं नहीं। कहां पर बात आई, एक का अर्थ देखना, हम एक को खोलू शुद्धो सबका अर्थ देख लेना, शुद्धो का एक को का, तो गुणस्थान मार्गणा स्थान क्रम क्रम भाव सब ले लिए उसमें। तो परमाणु मात्र मेरा नहीं, परमाणु मतलब जो भी आनी जानी है
वो मेरे मेरे यहाँ ठोर नहीं रख सकती, समझ में आ रहा है? कोई हमारे यहाँ बोले वो नौकर आए, नौकरी मांगने गए, 2 महीने के लिए नौकरी चाहिए, ना और बिगड़ जाएगी व्यवस्था, तो तुम्हारे भरोसे हम दूसरों को रोक लेंगे? नहीं होगा ना काम, आनी जानी कितना भी अच्छा हो नहीं चाहिए हमको, समझ में आया? तो आनी जानी जितनी भी बाह्य सहयोग है ये तो आनी जानी है ही, लेकिन सहयोग के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले जितने भी सहयोगी भाव है और असंयुक्त तत्वों के आश्रय से भी जो उत्पन्न होने वाला सहयोगी भाव है, अगेन क्या कहा, जितने भी बाह्य सहयोग है नौकर्म प्लस सहयोग के आश्रय से जितने भी सहयोगी भाव होते हैं ये भाव कर्म राग द्वेष, और असंयुक्त तत्व के आश्रय से उत्पन्न, आज भी पूरी बात आ रही थी, आज भी देखा ना क्या कह रहे थे, संबंध निर्जर मोक्ष ये भी पर पदार्थ है, बात आ रही थी, क्योंकि वे आनी जानी है ना, आनी जानी पर कैसे ध्यान केंद्रित करूं, तो कैसे करूं, एक दिन का राज्य पद नहीं चाहिए उसे, तो हम जैसे कल के थे वही अच्छे थे, समझ गए आप, क्योंकि अमीरी के बाद दरिद्री देखना ये हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, और जो दरिद्री है उसके प्रति करुणा सभी करते हैं, लेकिन अमीर होने के बाद दरिद्री होने पर वो करुणा भी कोई नहीं करता उस पर, इसका प्रमाण दो कोई, प्रथमानुयोग का धन्य कुमार अकृत पुण्य को लेकर उसकी मां दूसरे गांव चली गई, क्यों, अभी तक कितनी प्रॉपर्टी थी उनकी, और होते होते ये तकलीफ हुई, अभी एकदम कंगाल, अभी दोनों तरफ से समस्या है, मैं कैसे काम करूंगी यहां पर, एक समस्या तो ये है, दूसरी समस्या तो ये है, मुझे यहां पर काम कौन देगा, और काम देगा तो बस दिखावटी के लिए ही देगा, फिर वो कहे नहीं नहीं आप तो रहने दो, हम पगर तो चल रहे ना, पगर तो रहे, काम मत करो, काम थोड़ी कोई करने देगा फिर हमको, क्योंकि फिर वे सिंपति व्यक्त करेंगे, सांत्वना व्यक्त, और हम उसके पात्र नहीं होना चाहते, समझ में आ रहा है, हम किसी की नहीं चाहिए, शान नहीं रहेगी उसमें हमारी, बराबर, क्या कह रहा हो, बात कहां तक आई, तीन बातें, सहयोग, सहयोगी भाव और असंयुक्त तत्वों के आश्रय से जो संबंध निर्जर है, एक दिन भी प्रकट नहीं चाहिए, अनादि निधन का लक्ष्य, तिनका, मैं तिनका क्यों कह रहा हूं, अभी जितना भी बाहर कृत व्यवस्था है उसको लेकर वो मान बढ़ाई प्रशंसा बिल्कुल नहीं चाहता, और यदि बोलता है तो उसके गुणों का नाश होता है, चक्रवर्ती का रूप देखने आए तो चक्रवर्ती ने कितना बोल दिया देखो, उसने ये कहा कि अच्छा रूप देखने आए आप, यहां नहीं आप वहां ना दरबार में सज धज कर बैठे, लेकिन मैं सुंदर ये विकल्प खड़ा हुआ, वे दुर्गंध के परमाणु घुस गए उसमें, प्रमाण देख लो, तो मैं अच्छा इस विकल्प में ही बुराई के परमाणु उसी समय में प्रवेश कर जाते, ठीक है, लोग करेंगे प्रशंसा, ठीक है, आगे वायाए अकहमता सुजनो चरि देहिं कहियगा होंती विकहिंत गाय सगुणे पुरिसा लोगम्मि उवरीव जो कथनी से कहे न अपनी करनी से गुण को कहते सज्जन पुरुषों में वे बोलो क्या कहना चाहते हैं, एक बार पढ़ लो अर्थ की लग गया है ट्रेस, पढ़ लेता हूं अर्थ, जो पुरुष स्वजनों में अपने गुण वचनों से नहीं कहते परंतु आचरण से कह देते हैं, आचरण से कहा जाता है कि दिखाया जाता है, तमेयत्तविहत्तम बोलो दाए हम दिखाऊंगा बताऊंगा कुछ नहीं, क्या बोला मैंने उदित, क्या बोला, मतलब तुम यह अपेक्षा नहीं रखना हमने दिखाऊंगा कहा था तो गाथा ही गाथा बोलते चलेंगे और खूब लिखते चलेंगे, ये दिखा रहे ना, छल ग्रहण नहीं करना, चुपके जे छलम न ग्रहण गेहतप्पम, कितनी मजबूत बात हो गई अभी खड़ी अपने सामने, उन्होंने तो कुछ लिखा नहीं, अभी बोले थे सब दिखाऊंगा, अभी बोले थे दिखाऊंगा बोले थे, देखो समझ में आ रहा है,
देखने की क्षमता आप में होनी चाहिए। गाथा में बात आ रही है, जो पुरुष 100 वचनों से अपने गुण वचनों से नहीं कहते परंतु आचरण से कह देते हैं, करके दिखा देते हैं, वे पुरुष लोक में पुरुषों के ऊपर महान होते हैं। देखो हम खूब ऐड करें, वैसे मेरा एक स्पष्ट मत है, स्पष्ट दावा है, ऐड करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती किसी भी चीज की। और जितने ऐड करते हैं वो ठीक है एक एक बात से। दूसरा पक्ष मान के चलिए मंगलायतन है हमारा, ये जो आप एक एक यूनिट हो यहाँ के मंगलार्थी, न धर्मो, मैंने 2-3 दिन पहले बोला था, न धर्मो धार्मिक के बिना और न मंगलायतन मंगलार्थी बिना। मंगलायतन के बारे में ज्यादा कहने की कुछ आवश्यकता नहीं है, मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ आपको। मैं शिवपुरी में था वैसे 2-3 साल पहले, एक बालक यहाँ का बिल्कुल, मैं वहाँ पर उन्होंने बुलाया था मुझे कि आप प्रवचन करेंगे, और कक्षा के हिसाब से यहाँ से कोई आया था, तो फिर काफ़ी संपर्क बना हमारा, मैंने अभी तक बोला नहीं यहाँ पर किसी को भी, तो उसको और हर एक क्लास में भी बैठता था, वो नोट्स बनाता था, प्रश्न पूछता था, बच्चे टाइम में मेरे पास आकर बैठता था। तो मैंने वैसे कुछ भी नहीं देखा था मंगलायतन का आज तक, ज़्यादा कुछ भी वैसे मतलब भी नहीं कुछ रखता हूँ मैं बाहर से। मैं जैसे उसको देखा मुझे इतनी महिमा आने लग गई, उसकी नहीं, उसकी तो अरे उसके माध्यम से तो आ ही रही है सबकी। मैंने सोचा कि जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, मैंने सोचा वहाँ पर अच्छा ज्ञान कराया जाता होगा, और कितनी रिस्पेक्ट है, कितनी नम्रता है, और एक एक विषय में बराबर प्रतिपादन करने की सामर्थ्य रखते हैं, और अभी 12th का ही छोकरा है दुनिया की भाषा में। और मैंने ये सोचा बाकी विद्वान भी शास्त्री विद्वान होते और 12th ही पास किया, लगता ही नहीं है ऐसा लगता है इन्होंने शास्त्री वगैरह किया है क्या, ये जीती जागते ऐड है ही ज्ञानियों की दृष्टि में। बाकी पत्रिका छपाना, ये कराना, वो कराना, उससे मूल ऐड नहीं होती है। दिस इज जस्ट टू कन्वे द मैसेज कि वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ पर्टिकुलर प्रोग्राम और वो इस तारीख पर संपन्न होगी, नहीं तो तारीख पर आती जाए चली जाए पता भी नहीं चले। तो इसके लिए हमने बताया है, कोई इससे थोड़ी भी छवि हमारी खड़ी होगी बिल्कुल नहीं है ऐसा, उसका कैसा पेपर है कैसा मैटर कुछ नहीं होता उससे। मैं आपको कहूँ, आपको बहुत वैसे ताज्जुब लगेगा, पूना में अपन क्या समझते हैं, मेरा थोड़ा सा ऐसा ही था पहले, मैं इंजीनियरिंग करके आया था तो हमारा जो बिजनेस था उसी में मैंने खूब बढ़ाने का विचार किया, क्योंकि उसमें आदमी भी कम पड़ते थे बहुत ही, और मैं सोचता था 2-3 मैनेजर है ये क्या करते हैं, तो फिर अपन थोड़ा सा उसमें हैंडल करें। तो मैंने पहले ही रिनोवेशन वगैरह कराना चाहा और थोड़ा बड़ा, मैंने सोचा कि पब्लिक इतनी खड़ी रहती है और अपन कस्टमर को घंटों डील नहीं कर सकते, वो थोड़ा वो करें अपन, थोड़ा उसको बढ़ाना वगैरह। मेरे पिताजी हमेशा इसके खिलाफ रहते थे, क्यों क्या मालूम, मैं स्वयं को बहुत कुछ समझता था, हम पढ़ लिख कर आया ऐसे समझता था, पापा जी का हर दृष्टि में रहता था, वो कहते थे अरे जो है बहुत ठीक है, बहुत ठीक है, बहुत ठीक है। मैं कहता था ये पुराने का मैटर आपका, आप हटाओ ये दरवाजों को, शटर हो कुछ व्यवस्था हो, एकदम पुराना मॉडल आपका, कौन प्रिफर करता है इसको आजकल। वो कहते नहीं ऐसा नहीं होता है, वे सत्य बात कहते थे। वो कहते थोड़ी डिजाइन हो, 10-5 लाख खर्चा किए बिना मुझे चैन नहीं पड़ी लेकिन, और वे भी एकदम बिल्कुल ज्ञाता दृष्टा रूप से, उन्होंने पहले तो नकारा था, फिर ज्ञाता दृष्टा रूप की भूमिका देखकर उन्होंने भी फिर बहुत चुप रही एक तरफ, कराना सो कराओ, समझ गए, होता कुछ नहीं है उसमें विशेष, क्योंकि मूल क्वालिटी को देखकर बात चलती है पूरी। पूना में ऐसे होटल से आप कल्पना नहीं करोगे, उसके बोर्ड देखोगे आप, उसका नाम पढ़ने में आपको आधा घंटा लग जाएगा, इतने ऐसे उसके उनको पुताई को फुर्सत नहीं साहब वहां पर। हम कहते हैं जरा अच्छा कर, तो वो ये बोला मुझे साहब मैं देख लेना, अच्छा मेरे एकदम खास दोस्त, उसने सचमुच एक काम किया, उसने बोर्ड हटा दिया, 2 साल तक के लिए बोर्ड ही नहीं लगाया, और भीड़ एक भी आदमी कम नहीं हुआ। कैसे पता चलेगा सबको होटल है, तुम देखना, बिना बोर्ड के भी खड़े रहने की जगह नहीं है वहां पर, और तुम ऐड कर रहे हो चौराहे पर खड़े हो रहे हो, तुम चिल्ला रहे हो, क्या होगा इससे, ये समझ में आता है। क्वालिटी स्पीक्स, एक्शन स्पीक्स, बोलो आगे पूरी करो बात को, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वॉइस, प्रैक्टिस इज
बोलो बेटर देन, बोलो प्रिसेप्ट। प्रिसेप्ट व्हाट इज प्रिसेप्ट? प्रीचिंग। प्रीच, प्रीच नाउन वर्ब है तो उसका नाउन होगा प्रिसेप्ट, प्रवचन। प्रिसेप्ट मतलब प्रवचन। तो प्रैक्टिस इज बेटर देन प्रिसेप्ट मतलब करो, कथनी और करनी में अंतर मत रखो, ये भेद करना स्वाहा। किसका? किसका? शासनी। शासनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा आज। जो पुरुष स्वजनों में अपने गुण वचनों से नहीं कहते परंतु आचरण से कह देते हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मुझे दो तीन बार परिषद पर्व के लिए लोग ले गए, उन्होंने कैसे शास्त्री छाप दिया मुझे नहीं पता, और उनको मुझे लेने के लिए आए और उनको पता ये चला गाड़ी में ये शास्त्री नहीं है, उनकी होश ही उड़ गई। सचमुच कसम से बोल रहा हूँ मैं, वो इतने डर गए, उनको इतने पानी पानी हो गए जाते तक, अब हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे और क्या होगा और क्या नहीं होगा। उनको वो लगता है कि डिग्री हो तो कोई काम हो। समझ में आ रहा है? क्या सर्टिफिकेट ही बोलता है? और सच्ची नौकरियां जिनको मिलती है वो बिना सर्टिफिकेट की ही मिलती है, और आज भी पूरा वर्ल्ड भी इसी रूप में हो रहा है, कोई नहीं देखता आपके सर्टिफिकेट वर्टिफिकेट को। कीप इट असाइड, दैट कैन बी मैनिपुलेटेड। वो खड़े हो सकते हैं सब सर्टिफिकेट्स, डुप्लीकेशन उसमें हो सकता है, लेकिन जो उपज है उसमें डुप्लीकेशन नहीं हो सकता। ये समझ में आता है? फोटो जब छह छह महीने का रिसेंट मांगते हैं, छह छह महीने में शक्ल बदलती है, तो आकल नहीं बदलती मिनट मिनट में। तुम 10 साल पहले के सर्टिफिकेट अभी क्या काम करेंगे? अभी पागल हो गया होगा तो ऊपर से शक्ल से वैसा ही दिख रहा हो। नहीं हो सकता। कि मैं सच्ची बात पूछ रहा हूं आपको, एकदम टेंशन में चल रहा है और कितना भी क्रिएटिव पर्सन हो वो अपना परफॉर्मेंस नहीं दे सकता उस समय में। अभी वर्तमान की इंटरव्यू मैटर करेगी, और ये पेपर्स ये वही पागल दिखाता रहता है। हमने कब मांगा तुमको पेपर्स? तुम पेपर्स का सहारा लेकर स्वयं को क्यों महंत दिखाना चाहते हो? मतलब मुझे महंत होने के लिए कुछ सम चीट्स ऑफ पेपर, कांट क्लेम मी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, मैं समर्थ हूं। तुम ये कागजों में क्या दम है जो हमको सिद्ध करके दिखाएंगे? ए, समझ में आता है आपको? हम खड़े हैं, ये तुम कागजों की बात करते हो। इनको बोलते तुम आप क्यों नोट्स बनाते हो? ये नोट्स बनाते रहते हैं। मैं इनको ये कहता रहता हूँ, मुक्ति की मम्मी को, तुम क्यों नोट्स बनाती रहती हो? अरे तुमको जो पूछना है मैं यही तो बैठा हूं। समझ में आता है? प्रचार करने का यह भी एक तरीका है। ये नहीं, यहां पर ये बोल रहे हैं हमारे एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं यही बहुत कुछ बोल रही है, ठीक है? और वैसे ही जिनमें वो कार्य क्षमता नहीं हो वे अपने अपने बोलते रहते हैं, तो उसमें कोई बात नहीं है। मैं सच्ची बात एक घटना सुनाऊं आपको, उन्होंने तो सच्ची के रूप में सुनाई है, आपको सच्ची नहीं लगेगी क्योंकि मुझे भी नहीं लगी थी। इंटरव्यू एक जगह हुआ, उनको आजकल सबके इंटरव्यू होने लग गए हैं, कोई बड़े बड़े पोस्ट के इंटरव्यू होते हैं, ऐसे नहीं है जिसको झाड़ू लगानी है सर्व करना है, उनकी भी इंटरव्यूज होती है आजकल। इंटरव्यू मतलब कोई बड़ी बहुत बड़ी बात नहीं, ये जो टॉक हुई हमारे 2 मिनट की, कैसे करोगे क्या, ये इंटरव्यू ही है और क्या है। लगा दिए, कैंडिडेट्स बुलाए, उनको चयन करने थे कुछ कैंडिडेट्स, और सब के सब आकर बैठे। मान के चलिए अपन 10 कैंडिडेट्स उनको चूज करने थे और 50 बाहर आकर बैठे थे, और वो ऐसी ग्लास थी जिस ऑफिस में बैठे थे उनको सब बाहर का दिखता था और बाहर वालों का अंदर का कुछ नहीं दिखता था। फिर वो देख रहे हैं एक एक को। अभी जो इंटरव्यू के लिए एक जन आया है वहां पर, तो सबकी सर्विस कर रहा है वहां पर, किसी को पानी चाहिए फटाफट लाके दे रहा है। कल्पना करो ऐसे भी हो सकता है। सब एक एक साहब ये अभी अभी होगा, दरवाजा खोल सब कर रहा है। फिर ये पास हो गया है, ये इसको पहले सीट पर लाकर बिठाओ, हमारे ये हमारे काम का आदमी है। इंटरव्यू जो यहां होगी वो थोड़ी है अंदर में, तुम काम करने की तुम्हारी सजगता हमको पकड़ में आ गई बाहर में। इट डिपेंड्स ऑन वॉट यू डू, हाउ यू डू। हैंडसम इज वॉट हैंडसम डज। और फिर बोलोगे मैं ऐसा करूंगा, वो पेपर वर्क क्या बोलेगा तुम्हारा? जीवन देखना चाहिए हमको। समझ में आया? बहुत कहावतें इसकी भी चलती है, मराठी में कहावत उथल पाने वाला खड़खड़ाट,
एम्प्टी वेसल्स बोलो, एम्प्टी वेसल्स। ये तुम लोगों का अंग्रेजी भी ढंग की नहीं आती तुम लोगों को, तुम तो कुछ भी नहीं पढ़ते अलग सा। एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइज, बर्तन होते खाली वे बहुत आवाज करते रहते हैं। और मराठी में कहावत जो बोली मैंने, उथड़ पानी वाला खड़खड़ाहट, उथड़ पानी खड़खड़ाहट, समझते हो? उथड़ मतलब शालो, नॉट डीप। जो शालो होता है पानी वो बहुत आवाज करता रहता है, और जो गंभीर समुद्र सागर होता है उसमें ऐसी आवाज नहीं चलती है। ये आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? आधा ज्ञान, अरे जो उचकता है, आधा ज्ञान बहुत उचकता है बोल रहे, अधभरी गगरी छलकत जाए। ये भी है, सब इसी इसी की कहावत है, ये सब इसी के लिए बताया है कि हम मुंह से क्यों बोले कोई बात को। ठीक है, जो पुरुष स्वजनों में अपने गुण वचनों से नहीं कहते परंतु आचरण से कह देते हैं, आखिर कह दिया उन्होंने आचरण से, और जो अभी इंपैक्ट होगा वो लाइफ लॉन्ग इंपैक्ट होगा, समझ में आ रहा? आज धर्म से विमुख एक टॉपिक चल रहा है ना बहुत जोर शोर से अभी, आज युवा धर्म से विमुख क्यों? तो अभी मुझे बहुत लोग पूछते रहते क्यों विमुख है भैया, मैं उनको इतने प्रश्न पूछता, तुम क्यों नहीं आते, तुम सोचो, तुम लिख डालो, क्योंकि वही लोग मुझे फोन कर करके पूछते हैं क्या लिखे, समझ में आ रहा? और जो समझदार है उनको तो लिखने का तो पड़ी ही नहीं है, फिर वही बात उभर कर आ गई, कौन सी? एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द साउंड, समझ में आता है? क्या लिखे? मैं कहता हूं तुम रोज प्रवचन जाते हो? नहीं जाते। तो फिर नहीं जाते, तुम लिखो ना, तुमको पता ही है। नहीं, ये भी हम ही बताए तुमको, तुम भी मुख्य हो, हमको तो ये पूछो हम सन्मुख क्यों है, तब तो हम बता पाए। तो मैंने सब कारणों में एक प्रधान कारण उसमें डाला है, क्योंकि मंदिर आयतनों के स्थानों में विद्वान ही आपस में लड़ते हैं, ट्रस्टियों के आपस में माँ बहन तक की गालियां। मैंने वापस वाकई में देखी थी मैंने एक जगह, और मंदिर के प्रांगण में, और वहां पर चाहे जो सी गालियां, और वो बने हैं अध्यक्ष वहां के, जिनको 10-5 गालियां नहीं आती माँ बहन की, वो तो मानो अध्यक्ष बन ही नहीं सकता आज, कि वो आज तो उसी का राज है। कहते हैं जिसकी लाठी क्या कहते हैं, उसकी बहस। तो इतना तो अच्छा न जाए, उसकी बदौलत सब चलता है। और बहुत लोगों की भी यह भ्रांति हो गई है, ऐसे भी लोग चाहिए अपने पास, कुछ एक दो भी ऐसे तो चाहिए। तुम क्या कहना चाहते हो? ऐसे तो चाहिए मतलब कल झगड़ा होगा और फिर इनको बिता देंगे, तुम ये चाहते हो? तुम ये क्यों नहीं चाहते सब शांति का माहौल हो, और ये उन सरीको तत्वों से नहीं होगा, समझ में आया? हम शांति से ही काम करा लेंगे। राजगुरु भगत सिंह जो सुखदेव जैसा एकाद जो चाहिए, एकाद तो चाहिए, काय के लिए? चढ़ने के लिए, लटकने के लिए, लटके और कितने ही साल तक आजादी भी नहीं मिली। तो गांधी जी का तो ये कहना था आजादी में गड़बड़ कर रहे हैं एक पॉलिसी में, मैं तो मेरा अपना पक्ष समझाना है मुझे, समझ में आया? नहीं कहकर किसी को कुछ नहीं दिखाएंगे हम। तो धर्म, युवा धर्म से भी मुख्य, क्योंकि बोलना कुछ करना कुछ, फिर कुछ समझ में नहीं आता। और पहले दिन प्रवचन में उन्होंने झगड़ा देखा आपस में, प्रवचन के बाद एकदम डरने लग गए लोग, ऐसे कई जनों के मुख से आप सुन सकते हैं। और मैंने तो पहली बार देखा था, मैं तो एकदम हिल गया था, वो तो बहुत अच्छा है, मैंने तो पहली शरण ली थी, कोई व्यक्ति को, व्यक्ति की बात नहीं है यहाँ पर, वे भी व्यक्ति हुए हैं, वे कोई व्यक्ति नहीं है ये नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन वो वे व्यक्ति की शुद्ध व्यक्ति है, वो व्यक्ति मतलब अभिव्यक्ति। उन व्यक्ति की भी अतीत पर्याय हमारे लिए आदर्श नहीं है, आदर्श पुरुषों की भी समस्त चर्याएं, समस्त क्रियाएं जो अज्ञान अवस्थाएं में हुई है वे आदर्श नहीं होती, क्योंकि वे ही स्वयं उसको आदर्श नहीं मानते। गांधी जी ने भी ऐसा किया था, वैश्य के पास गए थे, गांधी जी ने भी स्मोकिंग किया था, गांधी जी ने भी ये किया था, समझा? और गांधी जी स्वयं उसको हे मानकर फिर उस उच्च पद पर बैठ गए ना। वे पुरुष लोक में पुरुषों के ऊपर महान होते हैं। यह प्रकरण अपना पूरा हुआ, समय भी वैसे पूरा हो गया है अपना। अवाक विसर्गम वपुषाम निरूपयंतम, कैसे थे वे मुनिराज? सर्वार्थ सिद्धि बोलो, सर्वार्थ सिद्धि का प्रारंभ। कोई सुयोग्य जीव मुनिराज की शरण में गया और पूछा, भगवान मोक्ष का मार्ग क्या है? कैसे थे वे मुनिराज जो वचन बोले बिना ही अवाक विसर्गम
वो पुषाम निरुपयंतम, जिनका एक एक रोम शरीर का मोक्ष मार्ग कहने में समर्थ था, क्योंकि बोलना तो सीमित समय में होगा और आपको चलता बोलता मोक्ष मार्ग आपको ऑल टाइम दिखेगा, उनकी मौन पर ही फिदा है सचमुच। हमने उन इतने इतना बोला अलेक्जेंडर ने और बिल्कुल भी कुछ भी जवाब नहीं, बहुत आश्चर्य हो गया। नमस्कार की भी भावना नहीं, कुछ नहीं, एकदम तुच्छवत देखते हैं सभी वस्तुओं को। इनकी दृष्टि को नमस्कार है, इनके ज्ञान को नमस्कार है, इनकी विचारधारा को नमस्कार है। कायदे से इनकी विचारधारा ही मुनिपना है, इनकी दृष्टि ही मुनिपना है। मुनिपना मतलब कोई पुद्गल का पिंड नहीं है, मुनि मतलब गुणों का समुदाय है, समझ में आता है। गुणों से ही वे गुणी कहलाए है, न धर्मो धर्मी के बिना, अभी भी कहा ना मैंने, ये धर्म और धर्मात्मा में मैंने पहले भी कहा था आपको, एक प्रश्न पूछा सूत्र जी की टीका में, एक तरफ धर्म है एक तरफ धर्मात्मा है, दोनों मिटने लग जाए एट ए टाइम तो हम किसको बचाए। उत्तर फिर आज गलती कर दी, मैंने पहले प्रश्न पूछा था तब भी गलत बोले थे, तब भी मैंने किया था उसको ठीक, मैंने कहा था वहां पर उत्तर ये दिया है, धर्म और धर्मात्मा कोई अलग अलग चीज नहीं होती, धर्म और धर्मात्मा एक ही चीज है, क्योंकि न धर्मो धार्मिके बिना। कौन बड़ा की बात ही कहा खड़ी हुई है, समझ गए। धर्म को ही लेकर तो धर्मात्मा है वो, धर्म को अलग करो तो धर्मात्मा क्या चीज है। कल का उदाहरण बोलो, फैंग्स को अलग किया जाए, फैंग्स वो सांप के दांतों को अलग किया जाए तो सांप क्या चीज है, जहर अलग किया जाए वो खिलौना से बढ़कर कोई चीज नहीं है। वायर में से वो अंदर की कॉपर हटा दो, अब उसको कपड़े सुखाने की रस्सी है ये, और क्या वायर का इसको झटका लगेगा क्या, कपड़ा सुखाएंगे तो होगा क्या। गुणों से ही उनकी महंतता है। और फिर कितने उपचार का कथन है कि शरीर की भी महिमा हो जाती है, समझ में आया। जो सहचर धर्म है उसकी भी महिमा होती है, फिर जो संघ है वो और उपचार का कथन चला गया, फिर जो पहाड़ पर्वत है जहां जाए एक एक कदम पड़ा और उपचार चला गया, पकड़ में। ये सब पवित्रता मूल वो भाव तीर्थ को लेकर है, जिस भाव से बोलो तिरा जाए सो तीर्थ, तो मूल तीर्थ तो ये रत्नत रहे हैं और उपचार का तीर्थ तो ये उपदेश है। क्या कहा, तित्थम धम्मस कत्तारम, तीर्थ क्या है तो कह रहे ये उपदेश, ये उपचार तीर्थ है। और उनका जीवन, जीवन मतलब रत्नत्र ही उनका जीवन है, तो ये प्रधान तीर्थ है उनका। वो तारता है दूसरों को, कैसे तारेगा वो उनके अंतरंग के गुण, अरे उनके अंतरंग के गुणों को देखकर, उनका अप्रभावित तत्व देख देख कर, उसका फल भी देख देख कर हम विषय की तरफ हम भी बढ़ने का प्रयास करेंगे। ऐसा उन्होंने क्या किया जिससे उनको इस फल की प्राप्ति, उनको दुख नहीं होता, उनको परेशानी नहीं, उनको तकलीफ नहीं, ऐसा क्या है उनके पास, ऐसा कौन सा स्वेटर पहनते हैं जिससे उनको ठंड में भी बाधा नहीं होती, ऐसी कोई कौन सी मच्छरदानी है जिससे उनको मजा, देखे तो जरा और देखे तो कुछ ही नहीं था और सब अपने में ही था वो, समझ में आया। ये धर्म को बोल के नहीं दिखाया जा सकता, इसकी अभिव्यक्ति उपचार से भी कहो तो मौन से ही होती है, और मात्र मौन से ही नहीं, हमारे एक एक एक्टिविटीज में ही धर्म दिखता रहता है, अभिव्यक्त होता रहता है। इसलिए मैंने अभी अभी कहा आप हर एक जन एक एक मंगलायतन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप जो भी करोगे वो सब गुडविल हमें मिलेगा, और एक जन कोई ठीक काम नहीं करेगा वो पूरा ब्लेम सब पर आ जाता है, होता है कि नहीं, ऐसा होता है, होता ही है ऐसा। ओम नमः।